हेलो, वेलकम टू सुमस होम कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट चिकन करी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमें एक मिक्सिंग जार में ऑनियन, ग्रीन चिली, टमाटो को अच्छे से ग्राइंड करके एक थिक पेस्ट बनाना है। एक पैन लीजिए, उसमें बिना तेल यूज करके मूंगफली को रोस्ट कीजिए। अब मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, हम इसे बाहर निकाल के ठंडा करेंगे। चिकन अब अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, इसे बाहर निकाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक कुकिंग पैन में 3 से 4 स्पून सरसों का तेल डाल के मैरिनेट हुआ चिकन को लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसे भूनते रहिए, नहीं तो चिकन पैन में लगने का चांस है।
अब हम एक प्रेशर कुकर लेके उसमें 3 से 4 स्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें स्टार अनिस, कैडमम, सिनेमन, क्लोव्स, फेनल्स डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऑनियन को ब्राउनिश कलर आने तक भूनेंगे। अब ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम टमाटो पेस्ट को डालेंगे। पांच दस मिनट तक इस मसाला पेस्ट को फ्राई करते रहिए। मसाला फ्राई होने के बाद इसमें रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालिए। अब हम इसमें आलू डालेंगे। इसमें अब फ्राई हुआ चिकन को डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करके उसे कुछ देर के लिए भूनिए। अब थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कीजिए। अब थोड़ा सा पानी डाल के 5 सीटी आने तक कुक कीजिए। भुना हुआ मूंगफली अब ठंडा हो गया है। इसे हम एक मिक्सिंग जार में डाल के पाउडर बनाएंगे।
अब सीटी हो गया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल के उसे धीमी आंच पे पकाएंगे। अब थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें मूंगफली पाउडर को मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। अब हमारा मूंगफली चिकन करी बनके तैयार हो चुका है। इसको रोटी और नान के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।